जय हिंद दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड राज्य के टॉप 5 शहरों के बारे में। नंबर 5, देवघर। देवघर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। दोस्तों हर सावन में यहाँ लाखों शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है। दोस्तों विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। इन शिव भक्तों को कांवरिया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार से सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। शिव पुराण में लिखा है यह मंदिर शमशान में है। शमशान में कोई कुआं नहीं होता है, जबकि देवघर के प्रांगण में एक कुआं भी है। देवघर कुल 119 वर्ग किलोमीटर में फैला है। देवघर की कुल आबादी लगभग 2 लाख से भी अधिक है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व लगभग 1700 पर किलोमीटर स्क्वायर लोग रहते हैं। यह शहर दिघरिया पहाड़, नंदन पहाड़, तिरकुट पहाड़ और तपोवन पहाड़ जैसे कई छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नंबर 4, धनबाद। धनबाद झारखंड में स्थित एक शहर है जो कोयले की खानों के लिए मशहूर है। यह नगर कोयला खनन के क्षेत्र में भारत में सबसे प्रसिद्ध है। धनबाद की कुल आबादी लगभग 11 लाख से भी अधिक है। धनबाद शहर 577 किलोमीटर पर स्क्वायर में फैला हुआ है। धनबाद के आसपास के जिले बोकारो, गिरिडीह, वर्धमान, पुरलिया इत्यादि है। झारखंड में स्थित धनबाद को भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों धनबाद में पंचेट डैम, बिरसा मुंडा पार्क, तोपचाची झील, पारसनाथ पहाड़ और मैथन डैम जैसा कई प्रमुख पर्यटक स्थल है। दोस्तों धनबाद में ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइनिंग भी है, जो भारत के खनन संबंधित शोध संस्थानों में सबसे प्रमुख है। नंबर 3, बोकारो, जो कि बोकारो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। यह झारखंड का एक प्रमुख शहरों में से एक है। और दोस्तों यह भारत के सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया शहर है। इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 56 लाख से भी अधिक है। यह शहर 183 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों बोकारो शहर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है। और दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। बोकारो एक कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड स्टार्टअप का हब है। और दोस्तों यह भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है। इस शहर में जवाहरलाल नेहरू जैविक पार्क, पिंडरा जोरा, तेनु घाट डैम आदि जैसे टूरिस्ट प्लेस है। दोस्तों इस शहर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जीप सीमेंट, ओरिका, वेदांता रिसोर्सेस, डालमिया सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग इत्यादि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी का इंडस्ट्रियल हब है। नंबर 2, जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। यह झारखंड के दक्षिण हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना पारसी व्यवसायी जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। दोस्तों जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगर में से एक है। टाटा ग्रुप्स की कई कंपनियों के प्रोडक्शन यूनिट जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टिपलेट, टिमकॉन ट्यूब डिवीजन इत्यादि आदि कार्यरत है। दोस्तों इस शहर की आबादी कुल 13 लाख से भी अधिक है। यह शहर 224 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दोस्तों नंबर 1 बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। नंबर 1, रांची। रांची झारखंड राज्य की राजधानी है। रांची झारखंड आंदोलन का केंद्र था। दोस्तों रांची को PM नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। रांची की कुल जनसंख्या लगभग 14 लाख से भी अधिक है और यह शहर कुल 175 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह शहर ब्रिटिश राज के समय बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था, क्योंकि सर्दियों के मौसम में इसकी ठंडी जलवायु होती है। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हुनरू, दशम, जौना जैसे कई झरने हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।